इन दिनों पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का महाकुंभ चल रहा है और हर प्रत्याशी वार्ड में अपनी जीत पक्की बता रहा है। साथ ही तन मन धन के साथ जोरों शोरों से जनसंपर्क में लगे हुए हैं प्रत्याशी। देवास के वार्ड क्रमांक 12 से कांग्रेस पार्टी से पार्षद प्रत्याशी के लिए जहां पर खड़े हुए राजेश जायसवाल एडवोकेट को वार्ड में हर वर्ग और समुदाय के लोगों का भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी जायसवाल का कहना है कि मतदाताओं का आशीर्वाद उन्हें मिलता है और अगर वह विजयी होते हैं तो पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, वार्डवासियों के लिए शारीरिक और बौद्धिक विकास, हर कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट, जल संरक्षण, शिक्षा, शासकीय योजनाओं का लाभ और मकानों का नंबर बोर्ड लगवाना, जल प्रदाय विधि और साथ ही में न्याय शिविर का आयोजन करना आदि विकास कार्य करना उनकी पहली पहल होगी। जायसवाल जनता के बीच में हाथ के पंजे पर वोट के लिए आशीर्वाद मतदाताओं से मांग रहे हैं। राजेश जायसवाल, कांग्रेस प्रत्याशी, वार्ड क्रमांक 12। आप किन किन जो आपके विजन को लेकर वार्ड में जा रहे हैं? मेरे वार्ड में जो मूलभूत समस्या है वह है यहाँ की ओपन नालियाँ है, खुदी हुई सड़कें हैं, पेपर ब्लॉक लगवाना है, उद्यान जो ऐसे ही पड़े हैं उनकी बाउंड्री वॉल कराना है, हर्बल गार्डन का बनाना है, स्ट्रीट लाइटों की कई समस्या है, स्थायी पानी की जो निकासी उसकी कमी है। तो इन सब विजन को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप कब से इस वार्ड में निवास कर रहे हैं और आप इस वार्ड में किस प्रकार से भली भांति हैं? मैं देखा जाए तो जन्म से ही यहाँ निवास कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इसी क्षेत्र से काफ़ी लगाव है। जो अभी विगत दिनों घटना हुई थी जो कि जनसंपर्क दौरान कुछ उपद्रव मचा था, उसका क्या कहना आपका? उस दिन की जो घटना घटी थी वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा करो उतनी कम है क्योंकि उस घटना ने हमारे इस क्षेत्र में को झकझोर कर रख दिया है। हमारी मातृशक्ति, माताएं, बहनें एवं भाइयों के साथ जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। आप जो वार्ड से क्या क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने जो यहाँ के मतदाता है, वरिष्ठ जन है, मैं उनसे उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और एक बार मुझे सेवा का अवसर दे, यही मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ। अच्छा, तो आप जो अन्य प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनसे आप किस प्रकार चुनौती मानते हैं अपना? मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने जब जब भी मुझे ऐसा लगा इस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी समस्या दिखी मैंने उसको समय समय पर उठाया और मैंने सबके सहयोग से उसको काम किया है। अच्छा, तो आप जनसंपर्क के लिए वार्ड में घूम रहे हैं रोज, किस प्रकार का आपको समर्थन देखने को मिल रहा है? मुझे उनका सबका आशीर्वाद मिल रहा है। आपका नाम और चुनाव चिन्ह? राजेश जायसवाल एडवोकेट, हाथ का पंजा, चुनाव चिन्ह। बताइए, वार्ड क्रमांक 12 में जो चुनाव चल रहा है, पूरे MP में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, इसके लिए आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, क्या है कि चुनाव चल रहा है, काफ़ी समय बाद कोरोना के आपदा के बाद में ये चुनाव आया है, तो इसमें हमें ऐसे प्रत्याशी का चयन करना है जिनने लोगों की सुख सुविधा है, जिनने उनके दुख दर्द को समझा है। इसी तारतम्य में वार्ड क्रमांक 12 राजाराम नगर में हमारे स्थानीय योग्य शिक्षित उम्मीदवार भाई राजेश जायसवाल है, जिसका पूरा वार्डवासी समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने उस कोरोना काल में भी सबकी मदद करी है और काफ़ी मैं भी 10 साल से देखता आ रहा हूँ उनको कि वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं चाहे किसी भी प्रकार की हो। और उनसे आप परिचित हैं? मैं लगभग 15 साल से उनसे परिचित हूं और मैं स्थानीय निवासी हूं, यहां 30 साल हो गए। हमारे यहां पे लगभग 10 साल से पार्षद थे लेकिन उन्होंने कभी वार्ड में आकर जो प्रॉब्लम समस्या होती है उसमें आकर कोई निदान नहीं किया है। यहां पे कितनी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे ड्रेनेज की हो, रोड की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, आए दिन शाम को यहां पे गुंडा तत्व हावी हो जाते हैं, तो महिलाओं के सेफ्टी साधन की हो, तो इन सभी के लिए हमारा विज़न है और राजेश भाई ने कहा है कि वो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जीत का कितना प्रतिशत मानते हैं? बिल्कुल, हमें सभी से आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है और सभी कह रहे हैं कि हमारे योग्य उम्मीदवार है, घर का प्रत्याशी है। रात को 12 बजे भी हम उनको बुला के हम काम, अभी पिछले दिन 8 दिन पहले गाय रात को 11 बजे खंभे से टकरा के उनकी मौत हो गई थी, तो हमें तुरंत फ़ोन आया और हम गए रात को 11:30 बजे लाइन में इनको बुलाया हमारे महेश जी को और हमने वो प्रॉब्लम का समाधान किया। क्या प्रतिशत मानते हैं आप जीत का? बिल्कुल, हमको 100% श्योर है। पवन श्रीवास्तव। बताइए, वार्ड क्रमांक 12 को लेकर आपको क्या कहना है? वार्ड क्रमांक 12 में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे आधे मकानों के
नंबर जो है वो प्लॉट के हिसाब से डाले हुए हैं, आधे मकान के नाम हिसाब से डाले हुए हैं। इसके अलावा जो है वृद्धजनों के लिए कोई जगह नहीं है और पार्क वगैरह ढंग से सुव्यवस्थित नहीं है। ठीक है, सीवेज की लाइन नालियों की काफ़ी प्रॉब्लम है, कई जगह पे पानी की जगह दिक्कत आती है और कई जगह पे बरसात के समय में पानी के भराव की भी समस्या आती है। कई जगह पे चाणक्यपुरी में कच्ची रोडें हैं। ठीक है, तो इन सब समस्याओं के लिए मैं चाहता हूँ कि निकाल हो। काफ़ी कई लोगों को काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है। वार्ड में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें आप किसको ज़्यादा समर्थक मानते हैं और क्या लगता है कि आपकी जो समस्या पूरी होगी? हाँ नहीं, राजेश जायसवाल जी यहाँ से खड़े हुए हैं, जिन पर बड़े सुसंस्कृत और अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं वो, और हम चाहते हैं कि वो जीतें वो और विकास करें हमारे वार्ड का। पिछले काफ़ी समय से वो यहाँ की समस्याओं को उठाते हैं जबकि वो पार्षद भी नहीं रहे हैं वो, लेकिन एक कार्यकर्ता की हैसियत से वो सभी से ही अच्छी तरीके से मिलते हैं और समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, प्रभु जन जो भी यहाँ की जनता है वो यहाँ पे उनके लिए वोट डाले। बाकी दूसरे लोग भी हैं लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं है जितने एक्टिव ये हैं राजेश जायसवाल जी। सभी से अच्छी तरीके से मिलते हैं ये। मेरा नाम संजय मालवी है और मैं राजाराम नगर का निवासी हूँ। मैं